सब यारो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाई जे ब्लॉग्स। तो अभी हम जा रहे हैं नौकुचा ताल को, एट प्रेजेंट है मैं भीमताल में। आज मेरा फ्रेंड आया है, ये है हरिओम शर्मा फ्रॉम राजस्थान, और ये पूरी फैमिली भैया ना भैया लोग वो पीछे बैठे हुए हैं, और ये हम बढ़ चुके हैं नौकुचा ताल की तरफ। तो चलते हैं नौकुचा ताल, मिलते हैं आपसे वहीं। मैं यहाँ पे एक महीने पहले आया था, तो जो यहाँ पे माता रानी वाली है वैष्णो देवी की जो गुफा है वो बंद थी, अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो ये अभी खुली है, इससे पिछले महीने ये बंद थी ये गुफा, बस हम निकल गए बाहर। यहाँ से आप ऐसे जाएंगे, लेकिन ये बंद कर रखा है, वहाँ भी बंद कर रखा है, और वहाँ से निकलने का था। जय माता दी। तो सब लोगों के दर्शन हो गए हैं हनुमान जी के और माँ वैष्णो की गुफा के। तो अब हम जा रहे हैं आगे नौकुचिया ताल की तरफ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? ताल की तरफ जा रहे हैं, चलते हैं फिर आगे को। तो ये हम पहुँच चुके हैं नौकुचिया ताल पे, यहाँ से स्टार्ट है नौकुचिया ताल, और इसी के बगल में कमल ताल। ये हम लोग नौकुचिया ताल में बोटिंग कर रहे हैं, और जो यहाँ पे बोट का किराया है ये शिकारा वाली का 400 रुपीज़ आधे घंटे के लिए, और ये आधा चक्कर इसमें होगा, है ना भैया? यह पूरा करवाओगे? 800 का है। अच्छा, और जो हमारे संग हैं वो आ रहे हैं उस बोट पे। हमारे योगेश भैया बोटिंग, अब मैं इनको तो बस आगे देखो बोट को ड्राइव करते हुए, जब से मैंने पकड़ा है हम बहुत ही फास्ट जा रहे हैं। भाई अब मैंने बहुत चला दिया, अब शर्मा जी चला रहे हैं, ले चलो हमको गगन से दूर। देखा कितना प्यारा गाना गाया है इनने, अब तो ले ही चलो यार तुम। तो ये देखो, ये हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सेंटर पे। तो ये है नौकुचिया ताल का लास्ट एंड, वहाँ पे भी आप बोटिंग वोटिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ से हो रहे हैं बैक टू पवेलियन, उस कोने से आए थे हम, देखो वहाँ से। नौकुचिया ताल में हम लोगों ने बोटिंग करी शिकारा वाली बोट पे, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स लिए, थोड़ी सी इन लोगों ने शॉपिंग करी। अब हम आ चुके हैं श्याम खेत पे। श्याम खेत पे बहुत अच्छा टी गार्डन है, ये आपको पीछे दिख रहा होगा, तो मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है, मैं स्कूटी से आया हूँ तो बीच बीच में कार में बैठ जा रहा हूँ, और बीच बीच में स्कूटी भी चला रहा हूँ। अंदर चलते हैं टी गार्डन के। तो यहाँ पे स्वदेशी के लिए 20 रुपीज़, विदेशी के लिए 50 रुपीज़। तो अगर आप कैमरा ले जा रहे हैं तो उसका 50 रुपीज़ है, और वेडिंग अगर यहाँ कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ है 30 मिनट के लिए। और ये है चाय बागान, तो चलते हैं अंदर को। तो ये हम आ चुके हैं टी गार्डन के अंदर, और यहाँ पे लिखा है पत्तियाँ ना तोड़ें और नो स्मोकिंग। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हैं पत्तियाँ। तो ये चल रहा है फोटो सेशन, ये है पूरा टी गार्डन। अबे हर जगह इस तरफ से पार्टीशन कर दिया है, ये जाली लगा दी है,
वहाँ वो जाली, पहले वहाँ बीच में भी खुला था, वो भी बंद कर दिया है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी था जो कि आजकल कोविड के बाद बंद हो चुका है। वॉशरूम बने हैं यहाँ पे। ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। अगर आप चाहते हैं लोकल ड्रेस में फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, 50 रुपीज़ में यहाँ पे आपको ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। तो ये लोग तैयार हो गए हैं बिल्कुल ड्रेस पहन के। हाँ जी, तो अब हम यहाँ से हो रहे हैं रिटर्न। टी गार्डन देख लिया इनने, जो यहाँ पे अंदर चाय बनती हैं यहाँ पे वो मिलती हैं। यहाँ पे ग्रीन टी भी है, लोकल टी भी है। कितने रुपए की हैं? 1400 रुपये किलो है, 800 रुपये किलो, 600 रुपये। ओके, तो 1400 रुपये किलो, 800 और 600 रुपये किलो। तो अब हम यहाँ पे बना रहे हैं मैगी। और देखो चारों तरफ बच्चे बिल्कुल मतलब कैमरा लगाते ही सीधे हाय गाइस बोल देते हैं लोग, हाय गाइस। तो यहाँ पे हमने मैगी एक पैकेट डाल दी है और एक पैकेट ये है। अरे यार, इसमें मसाला कहाँ गया? निकाल दिया। अच्छा निकाल दिया। मैं उतने देर से हल्के हल्के डालने में लगा हूँ, मैंने कहा मसाला नहीं आया। निकाल दिया था। जो ये पॉलीथीन है इसको हम अपने पास रख के ले जा रहे हैं, यहाँ गंदगी नहीं फैला रहे हैं। स्वच्छ भारत अभी। देखो ये चीफ कुक हैं और ये अब दोबारा पानी डाल रहे हैं। इनको एक जो इनके भी जो सीनियर चीफ कुक हैं ये इधर बैठे हैं, इन्होंने इन्हें सलाह दी है और अब इनके द्वारा इसमें और पानी डाल दिया गया। देखो इतना बहुत है पानी, और डाल दो थोड़ा, और डालो क्योंकि थोड़ी सी फूलेंगे ना। बताना बस बस बस। और अब इसमें इन्होंने खूब पानी डाल दिया, वैसे लग रहा है जैसे मैगी का झोल बनेगा ये। और ये मसाले डाल दिए हैं, देखो कितने अच्छे तरीके से बना रहे हैं महाराज जी। तो यहाँ पे बन चुकी है हमारी मैगी और यहाँ पे प्लेटें निकल गई हैं। ये भाई साहब ने तो टेस्ट भी कर लिया, खा भी लिया। कैसा लगा? बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी है। और ये देखो इनकी स्टिक, ये इससे खाएंगे आज। ये बेटा ये देखिए, क्योंकि हम चम्मच लाना भूल गए हैं, ये हमने इनोवेशन किया है यहाँ पे। ये देखो, तो यहाँ पे हम मैगी बांट रहे हैं, पहले बच्चे फिर बड़े। चम्मच बनाओ। और ये देखो, अरे वाह, इन्होंने तो बिल्कुल बांध दिया है ये बेहतरीन चम्मच, मजा आ गया। और वहाँ हमने गाड़ी लगा रखी है और ये रोड है और ये पार्टी हो रही है। हाँ, और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो खाते हैं मैगी फिर निकलते हैं यहाँ से आगे नैनीताल की तरफ। तो अब हम पहुँच चुके हैं नैनीताल। ये है शाम का नज़ारा। पानी का स्तर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जैसे अभी इतनी गर्मी आई नहीं है, पता नहीं गर्मियों में क्या हाल होने वाला है। और माल रोड में हमेशा की तरह भीड़ हो रही है, बहुत लोग आए हैं घूमने के लिए। ये लोग यहीं पर स्टे करने वाले हैं, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि सुबह तिमू भी आई थी मेरे संग, उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसको आधे रास्ते से घर जाना पड़ा। तो अब उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं वापस जा रहा हूँ। इनका इनके लिए होटल हो गया है, अभी लोग यहीं पर आज स्टे करेंगे, कल नैनीताल घूमेंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल YJ Vlogs। यू